राज्यसभा चुनाव के रण में कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों के शिविर का आज अंतिम दिन है। आज विधायकों को राज्यसभा चुनाव में वोट कैसे किया जाता है, इसके लिए मॉक पोल करवाया जाएगा। विधायकों को पहले यह बताया जाएगा कि किस विधायक की पहली प्राथमिकता संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल होंगे और किस विधायक की नीरज डांगी। उसी के तहत मॉक पोलिंग भी कराई जाएगी। मॉक पोल आज से दो चरणों में किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में 12 बजे से 2 बजे तक मॉक पोल किया जाएगा, तो वहीं दूसरे चरण में शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक मॉक पोलिंग की जाएगी। आपको बता दें कि कल सुबह 9 बजे तक किसी भी विधायक को होटल से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। अगर किसी विधायक को अत्यंत आवश्यक कार्य होगा तो वो पास के द्वारा ही बाहर जा सकेंगे। सभी विधायक शुक्रवार को मतदान करने विधानसभा पहुंचेंगे, जहां राज्यसभा चुनाव से एक दिन पहले आज कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता भी रिजॉर्ट में दिखाई देंगे। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिनेश कसाना फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, अंतिम दिन है आज, किस प्रकार से तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है कांग्रेस के खेमे के द्वारा? राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। 10 जून से कांग्रेस की ओर से विधायकों की बाड़ेबंदी की गई थी। होटल JW मैरियट में तमाम विधायकों को एक साथ रखा गया है। कांग्रेस के पास 125, जो कांग्रेस दावा कर रही है उनके पास 125 विधायकों का बहुमत है जी। तो ऐसे में इन सभी विधायकों को यहां पर रखा गया है। निर्दलीय 13 विधायक हैं, BTP के विधायक हैं, तमाम विधायकों को एक साथ रखा गया है। कल भी रात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक हुई। कांग्रेस के जो राज्यसभा उम्मीदवार है केसी वेणुगोपाल, नीरज डांगी या प्रदेश नेतृत्व हो या फिर AICC से ऑब्जर्वर हो, वो इस बैठक में मौजूद थे। विधायकों को इंस्ट्रक्शन दिए गए जी इस तरह से वोट कास्ट करना है, और पूरी आज इसकी ट्रेनिंग मॉक पोल होगा जिसमें विधायकों को ये बताया जाएगा। देखिए, एक जटिल प्रक्रिया चुनाव की होती है, तो मतदान कैसे करना है, कई बार ऐसे घटनाक्रम हुए जब वोट रिजेक्ट हो जाता है और एक एक वोट की बड़ा महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में विधायकों को ये ट्रेनिंग दी जाएगी किस तरह से अपना वोट कास्ट करना है। बिल्कुल, एक प्रायोरिटी तय होती है कि पहले किस जो उम्मीदवार है उसको वोट कास्ट करना है और उसको पहली प्रायोरिटी में रखना है और दूसरे में सेकंड में किसको रखना है, ये विधायकों को पूरी तरह से इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए जाएंगे। आज मॉक पोल होगा, जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी ओर से सभी विधायकों को ट्रेनिंग दी जाए। अधिकांश विधायक जो पहली बार जीत कर आते हैं उनको ऐसी समस्या आती है, तो ऐसे विधायकों को, तमाम जो विधायक हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही ये इंस्ट्रक्शन दिए गए कल यहाँ से रिजॉर्ट से एक साथ सभी विधायकों को बस के द्वारा विधानसभा ले जाया जाएगा जी। देखिए, आज अंतिम दिन है, कल चूंकि मतदान होगा तो विधायकों को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कल रात से ही होटल से बाहर जाने की किसी तरह की कोई अनुमति नहीं है, पूरी तरह से सख्ती बरती जा रही है और एक साथ कल विधायकों को विधानसभा ले जाकर मतदान करवाया जाएगा। दिनेश, मॉक पोलिंग के लिए भी यहाँ पर 2 चरण डिसाइड किए गए हैं। एक है चरण वो दोपहर में होगा और एक शाम का 6 से 8 बजे तक के बीच में, तो इसके क्या कारण रहे इसके पीछे? 66 विधायक पहले चरण में मॉक पोलिंग की प्रक्रिया को जानेंगे, उसके बाद में आगे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, देखिए जैसी कांग्रेस के पास कुल 125 विधायकों का बहुमत है और 2 उम्मीदवार उनके पास मैदान में है, तो ऐसे में एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 51 वोटों की आवश्यकता है। कांग्रेस के पास सरप्लस वोट है, तो ऐसे में फर्स्ट जो केसी वेणुगोपाल है कांग्रेस के उम्मीदवार संगठन महासचिव हैं, उनकी प्रायोरिटी तय है, फर्स्ट प्रायोरिटी में उनको रखा गया है जी। और जो 2 चरण आज निर्धारित किए हैं मॉक पोल के लिए, एक 12 से 2 बजे तक होगा और एक 6 से 8 बजे तक, तो दोनों चरणों में अलग अलग विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी और ये बताया जाएगा कि पहले जो उम्मीदवार है केसी वेणुगोपाल, उनको किन विधायकों को वोट कास्ट करना है, उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ऐसे में 2 ये चरण रखे गए हैं, दोनों चरणों में अलग अलग विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि किन विधायकों को केसी वेणुगोपाल को वोट कास्ट करना है और किन विधायकों को नीरज डांगी को करना है जी। दोनों चरणों में अलग अलग विधायकों को ये ट्रेनिंग दी जाएगी जी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया दिनेश।